इनके सारे वाइटल्स तो ठीक ही हैं। थैंक्स यार राजेश, रियली यू आर अ बिग हेल्प। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। सी यू। शांति, मेरे रूम से मोटा ब्लैंकेट लेके आओ, माँ को रात को ठंड लगेगी। मैं लाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रितेश, मैं वो। शांति, जो कहा जा रहा है करो, काम है तुम्हारा। जी सर। आप लोग प्लीज अभी बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। गुड नाइट रितेश। वो बेटी ने इसको सच तो नहीं बता दिया? ये रितेश को सब बताने आई है? नहीं, मेरे होते हुए ये रितेश से नहीं मिलेगी। ए, अब तू यहां क्यों आई है? क्या कहा आपने मेरी बेटी से? और झूठ मत बोलना कि आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है आपने कुछ तो कहा है उसे। मतलब उस बच्ची ने अपना मुंह नहीं खोला है? कहिए, चुप क्यों है आप? ए, माना बरसात का मौसम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुझ जैसे मेंढक अपनी कीचड़ छोड़ के बाहर फुदकेंगे। हे कारण कहीं की, और तू अबला नारी और तेरी बेटी, तुम लोगों को यही घर दिखता है ना आने के लिए? तमीज में रह के बात कीजिए। अब तू सिखाएगी मुझे तमीज? तेरी औकात क्या है तू जानती है? मुझसे 200 मीटर दूर खड़े होने की भी औकात नहीं है तेरी। और मेरी जो एरिया का भिखारी है ना, वो तुझसे ज्यादा हैसियत रखता है। और निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। अभी पुलिस को बुलाओ के, वरना तेरे पे प्राइवेसी भंग करने का केस कर दूंगी। निकल, बाहर निकल। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बीमार है मेरी बच्ची, बेहोशी में भी डर के मारे कांप रही है वो। 3 इंजेक्शन लगवा कर आई हूँ मैं उसे। वो ऐसे नहीं मानेगी। सिक्योरिटी, निकालो उसको यहाँ से। सिक्योरिटी को क्यों बुला रही है कामना दी? देखिए, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। मुझे बस इतना ही जानना है कि यहाँ क्या हुआ था। सून की तबीयत ठीक करने का यही एक तरीका है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी डर की वजह जानने के लिए, अगर वो नहीं पता चली तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए कि आपने उससे क्या कहा था। प्लीज 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 बताइए। तू तो बड़ी अच्छी एक्टर है, अभी तो बड़ी छाती पीट रही थी, चीख चीख के मुझे धमकियां दे रही थी। क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई? हाँ, जा नहीं बताती, कर ले जो करना तुझे। आपको एक औरत नहीं, एक माँ धमकी दे रही है। एक माँ अपनी बच्ची के लिए एक बार क्या, हजार बार धमकी देगी। और मैं अपने जोन के लिए कुछ भी करूंगी, किसी से नहीं डरूंगी, आपसे भी नहीं। अरे तुझे तो ना मैं तुम्हें क्या कर रही हो? टाइम वेस्ट कर रही है, खुद का भी और हमारा भी। कब से इसे कह रही हूँ कि हम लोग टेंशन में हैं, भाभी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, जाए लेकिन सुनी नहीं रही है। मुझे आपसे बात, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे।
यहाँ से रात बहुत हो गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी यहाँ आपको सिद्धि विनायक का प्रसाद देने आई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हुआ, इन्होंने उससे क्या कहा है। यहाँ से जाती उसे 104 बुखार हो गया। तो यहाँ आई थी कब, बताया क्यों नहीं मुझे? रितेश, भाभी हॉस्पिटल में थी, तू इतना परेशान था, सब लोग परेशान थे, मेरे दिमाग से निकल गया बस। अगर मुझसे कोई मिलने आता है तो मुझे पता होना चाहिए। बुखार कैसी है वो? होश है मेरी बच्ची, बस बार बार एक ही बात बोले जा रही है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे मत मारो। क्या क्या कह रही है सर? अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया इसकी बच्ची के साथ। और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि यहाँ से वो गई और बीमार हो गई? तुम लोग जहाँ रहते हो और ऑटो ऑटो में ट्रैवल करते हो, हवा लग गई होगी कहीं की। ठीक है, मैं मिल सकता हूँ उससे, प्लीज प्लीज। अगर रितेश उस बच्ची से मिलने गया और उसने कुछ कह दिया तो नहीं नहीं, मुझे रितेश को रोकना होगा। रितेश, भाभी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, तो उनको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? आप उनकी फिक्र ना करें तो अच्छा है, राहुल और नर्स है उनके पास, चलिए आप। क्या हेक्टिक डे था यार आज। या मैन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रितेश ब्रो कामना मासी को माफ करेंगे कि नहीं। क्या फर्क पड़ता है, बड़ी चमची बनी फिरती है ना उसकी, अब मजा आएगा। अरे वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि मिशन कादंबरी कैसा चल रहा है? अरे उसमें तो नया ट्विस्ट आया है। रियली? हम उस रितेश वाले इवेंट पे पहुंचे, वहां इंदु को देख के कादंबरी ऐसे घबरा गई जैसे किसी भूत को देख लिया। क्यों? ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर मालूम है कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ा मैटर है। शायद इतना बड़ा कि अगर वो राज मेरे हाथ लग गया तो पूरे इंडिया में समीर मल्होत्रा के अलावा कोई किसी को याद नहीं रखेगा। इंदु दी का फोन नहीं लग रहा है मौज। पता नहीं रितेश के वहां क्या हो रहा होगा। उनका बुखार कम हुआ? हाँ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी 101 है, लेकिन डॉक्टर ने गीली पट्टियां रखने को कहा है। वॉमिट करने वाली है। हाँ जा जल्दी जाके बोल ले क्या। हाँ हाँ जल्दी जा। क्या हुआ जून? जून आराम से। दी ये लीजिए, आप वॉश कर लीजिए। मैम थैंक यू।
डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। क्या हुआ है बेटा? क्या नहीं बताना है? मौज को बताओ, क्या नहीं बताना है बेटा? नितेश, नहीं बताना। क्या? इसे कैसे पता? जिनेश को भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मम्मा को पंकज अंकल ने दिलाया। मैं भाभी को लेकर नीचे आ रही थी, व्हीलचेयर की व्हील सीढ़ियों में अटक गई थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे निकालने की और व्हीलचेयर मेरे हाथों से फिसल गई। जून को किसी ने कुछ कहा है क्या? शायद कामना जी ने कुछ कहा, क्योंकि जब मैं वहां पहुंची तो वो जून से कुछ बात कर रही थी। जून ने उन्हें किसी से कुछ कहते हुए सुन लिया होगा और शायद इसी वजह से कामना जी ने उसे धमकाया जिससे वो इतना डर गई। पर उन्हें धमकाने की जरूरत क्यों पड़ी? वजह कुछ भी हो विवेक, एक बच्ची को ऐसे कौन धमकाता है? हिम्मत कैसी हुई उसकी? सोच ना विवेक, उन्होंने क्या क्या बोला होगा मेरी बच्ची को। देखना, डर के मारे उसने अपने कपड़े गीले कर दिए, 104 बुखार हो गया उसे। दी, उस औरत को ना वहीं दो थप्पड़ लगाने चाहिए थे। अंजलि चुप, बॉस मैं क्या गलत बोल रही हूँ? उनकी वजह से देखो जून की क्या हालत है। मैं चलता हूँ, आप लोग को कुछ भी चाहिए मुझे बताना, डॉक्टर, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, नर्स, एम्बुलेंस, कुछ भी। जून की एक फिक्स्ड पीडियाट्रिशियन है, अंकल कोई भी जरूरत हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना। जी उस बिद्दी ने क्या क्या बक दिया होगा रितेश को। अगर रितेश को उसे सच बता दिया तो कुछ नहीं होगा। भतीजा है मेरा, बाप की तरह से मानता है और बेटे बाप पर उंगली नहीं उठाते। पर मैं तुम्हारी गारंटी नहीं लेता, अगर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना।
बेटा तो माँ कैसे गिरी? माँ कैसे गिरी? माँ कैसे गिरी मेरी? मेरी माँ कैसे गिरी? पापा का कॉलर छोड़ दे, छोड़ पकड़ी को। बोलो मेरी माँ कैसे गिरी? रितेश, मेरी माँ कैसे गिरी? छोड़ मनोका। रितेश, रितेश तू तो शांत हो जा। रितेश क्या कर रहा तू? रितेश मैं हाथ मेरी माँ कैसे गिरी? मैं बताती हूँ। रितेश, झूठ सुन सुन के तक पक गया हूँ मैं। झूठ नहीं बोलना। मेरी माँ कैसे गिरी? मैंने कहा पापा को छोड़, पागल हो गया क्या? मैं बताती हूँ तुझे, प्लीज पंकज जी को हाथ मत लगाना। अभी बताओ, बताओ। अभी तक मुंह पे ताला लग गया था और मेरे बाप के इस चापलूस की रक्षा कर रहे थे, अब जज बताओगे? लास्ट गटर में पड़ रहे थे तुम लोग। मेरे माँ बाप की खैरात की वजह से यहाँ हो और मेरी माँ के साथ ये वही मरने देना चाहिए था तुम लोगों को। जुबान संभाल के बात कर। जुबान संभाल के बात कर, आया बड़ा बाप का बेटा। हैरान पे पढ़ रहे हो मेरी पंकज मल्होत्रा और मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मेरी माँ के साथ सच क्या है? मेरी माँ कैसे गिरी? सच क्या है? पंकज मल्होत्रा मैं भूल जाऊंगा आज कोई हमारा रिश्ता है, मैं सबको जला दूंगा, जिंदा कर दूंगा। मैं बताता कामना ने मेरे बैंकों के टिकट कैंसिल करा दिए थे। मेरा दिमाग खराब था। कामना के हाथ में व्हील चेयर थे। मैंने कामना का हाथ झटका तो व्हील चेयर यही सच है। वाह, बस यही सच है। वाह, अभी तक बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? क्यों अपनी बीवी के पल्लू के पीछे छुप रहे थे? हाँ, कामना दी ने जब इल्जाम अपने सर पे लिया तब कुछ नहीं बोला, तब तक याद नहीं आया? बीवी के पल्लू के पीछे छुपने का बहुत शौक है, इतने बड़े नामर तो पंकज मल्होत्रा। रितेश, कामना दी, बेशर्मी की तो हद पार कर दी आपने। 5 साल की बच्ची है जोना। 5 साल की है वो। उसे धमकी दी आपने, शर्म नहीं आई? कैसे आएगी? मां नहीं हो ना, बच्चा नहीं है अपना। बच्चा नहीं है, अक्कल तो है, कॉमन सेंस है कि नहीं कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? रितेश तू गलत समझ। शट अप, शट अप। है गलत समझ रहा हूं रितेश, ये रितेश वो 104 बुखार है बिचारी को, तड़प रही है, इतना डर गई है आपसे कि बेहोशी की हालत में भी आपका नाम बड़बड़ा रही है बिचारी। बहुत हो गई एक्टिंग आपकी। कौन हो आप? कौन हो? क्योंकि आप तो मेरी कामना दी नहीं है, ये मेरा बड़ा चाचा नहीं है, ये मेरी फैमिली नहीं है, ये कोई तोगले लोग हैं जो मेरे घर में पल रहे हैं।